रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1,00,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इधर अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। अमेरिका यूक्रेन के कीव में मौजूद अपने दूतावास खाली करवा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पनपे इस तनाव ने दुनिया की महाशक्तियों के बीच जंग होने के खतरे को बढ़ा दिया है। अमेरिका पहले ही संभावित युद्ध को लेकर रूस को चेतावनी दे चुका है। ब्रिटेन और कनाडा ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद और युद्ध सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच क्यों बने ऐसे हालात? अगर दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ यानी USSR का सदस्य था। दोनों देशों में तनाव की शुरुआत साल 2013 से होती है। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन था। इधर अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच तनातनी होती रही। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति बनी। क्यों बढ़ रहा है तनाव? रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध है। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना हुई। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसके मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताते हुए कहा था, अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है, रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। क्यों बड़ा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया, आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है।